हाथरस के कस्बा शास्त्री में कोतवाली से थोड़ी दूरी पर ही बदमाशों ने उप डाकघर को निशाना बनाया। बदमाशों ने बीती रात इस डाकघर की छत काट दी और अंदर घुस गए। बदमाशों ने वहां सामान को खंगाला। सुबह जब डाकघर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पत्रावली अस्त व्यस्त देखी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि बदमाश चोरी करने में असफल रहे हैं। सासनी कस्बे में कोतवाली के निकट ही उप डाकघर घनी आबादी में है। बीती रात बदमाशों ने इस डाकघर की छत को काट दिया और अंदर प्रवेश कर गए। बदमाशों ने अंदर घुसकर वहां तमाम कागजात खंगाले। यह भी देखा कि डाकघर में नकदी है या नहीं। इसके बाद बदमाश वहां से वापस लौट गए। सुबह जब कर्मचारियों ने डाकघर की स्थिति देखी तो उन्होंने सामान अस्त व्यस्त पाया। डाकघर की छत कटी हुई थी और देखने से स्पष्ट था कि बदमाश अंदर घुसे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। इधर डाकघर के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस ने अंदर पहुंचकर छानबीन की। डाकघर के कर्मचारी और अधिकारी भी इस छानबीन में जुट गए कि कोई दस्तावेज तो गायब नहीं है। इसका आंकलन कर किया जा रहा था। इस मामले में सनी के कोतवाली निरीक्षक का कहना था कि उप डाकघर में नकदी नहीं थी। वहां से कोई कागजात मोहर आदि भी गायब नहीं हुई है। अभी डाकघर के कर्मचारियों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। जांच पड़ताल की जा रही है। आप यहाँ चोरी हुआ, क्या क्या सामान निकल गया है? हमारे यहाँ दो तिजोरी गई है, जो डाक साहब जो पीए है उनके यहाँ से तिजोरी गई है। उसमें एक सरकारी मोबाइल था 22,000 रुपये थे, जो कि आज जो कि लौट जो लाए थे, सर्वर खराब हो गया था, वो पड़े हुए थे उसमें, रैक में थे उसकी तिजोरी में, वो 22,000 के लगभग। और दो चेक थे जिसमें 1,00,000 के चेक थे, वो TD के बनने के लिए आए थे। और एक सरकारी मोबाइल था बाबू की में, और मेरी तिजोरी में 2,996 रुपये के लगभग थे, जो स्टाम्प सेल होती है, शाम तक आते हैं लोग उनको बांट वितरण करते हैं। और एक सरकारी स्टाम्प थी जो सरकारी मोहर थी। और उसके बाद में उसमें वैसे छोटा मोटा और भी चश्मा वगैरह जो सामग्री होती है वो ये ले गया। तो ये कौन सी बार चोरी हुई है आपके? ये चौथी बार हुई है, कोतवाली की नाक के सामने हुई है, चौथी बार हुई है। और मैंने 8:45 बजे ही कोतवाली को सूचना दी, वहाँ से कांस्टेबल आए, उन्होंने देखा, वीडियो बनाई, वीडियो बना करके चले गए। उसके बाद में उनके ऊपर कोई फर्क नहीं। तो शिकायत की आपने? अब शिकायत करेंगे, उनको कर ही देंगे।